हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपने आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीएससी ले सकते हैं, कैसे आप सीएससी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों पहले आपने दोस्तों इस वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक आपको दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पर जाके आपको सारी डिटेल भरनी है अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। कोई भी डिटेल आपने खुद से नहीं भरनी है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो एड्रेस है, कुछ भी है, आपने सारी डिटेल अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरनी है दोस्तों, ठीक है। सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपने ध्यान रखना है इस बात का कि सब डिटेल अपनी आधार कार्ड से मैच करे। तो मैंने वहाँ रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे से पेमेंट मांगेगा। अब पेमेंट के लिए पेमेंट ऑप्शन है, आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, UPI यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको एक मेल आएगी और आपका TEC नंबर आपके पास आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उस नंबर के साथ ही बाकी आगे की जो प्रोसेस है वो चलेगी दोस्तों। तो पहले आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद ही आपकी बाकी की प्रोसेस होगी दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि TEC के नंबर के साथ ही हम इस वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम हमारा होगा TEC नंबर और पासवर्ड हमारा होगा मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों इसमें मैंने अपने यूज़र नेम में TEC नंबर डाला और पासवर्ड डाला और मैंने अपना इसके अंदर लॉगिन कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों सब कुछ है, डैशबोर्ड, लर्निंग, असेसमेंट्स। इसके अंदर दोस्तों आपको पहले पढ़ना पड़ेगा इसको, कुछ सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जिसको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको पढ़ के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसके 9-10 एग्ज़ाम है, वो देने के बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होता है लाइव, उस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी CSC ID आपकी 2 महीने लग जाते हैं, तकरीबन 2 महीने, 1.5-2 महीने लग गए थे मेरे को भी मेरी CSC ID आने में। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपको साथ साथ PDF भी दी गई हैं और इसके अंदर वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं, जहाँ पे जाके आप इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारा मटेरियल है दोस्तों जिसको पढ़ के आप CSC के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। CSC ID लेने के लिए ये सारे एग्ज़ाम देने ज़रूरी हैं। मेरा लास्ट एग्ज़ाम नहीं हुआ था बट फिर भी मेरी CSC ID आ गई है। अगर किसी को इस चीज़ का डाउट, अभी लास्ट एग्ज़ाम देंगे तब CSC की ID आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, CSC की ID तब भी आ जाती है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, तो ये सारी प्रोसेस हो गई है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद दोस्तों आपको सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। सारे टेस्ट देने के बाद ही आपकी 2 महीने बाद आपकी CSC ID की आपको मेल सक्सेसफुली दोस्तों आ जाएगी। तो ये सारे स्टेप करने बहुत ज़रूरी हैं। डिटेल सारी अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना, कोई भी डिटेल अपनी तरफ से नहीं भरनी दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी आपकी ID सक्सेसफुली आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपने CSC पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है जो मैंने दिखा रखी है, ठीक है। आपको VLE रजिस्ट्रेशन ये लिंक आएगा और नीचे लिखा क्लिक हियर टू रजिस्टर, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर पे, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है CSC VLE, ठीक है। यहाँ पे आपको TEC नंबर डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन दिक्कत है वो ये आती है कि मैनिपुलेटेड डाटा फाउंड की एरर आती है। वो इसलिए आती है कि जब हम स्टार्टिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम जो भी डिटेल डालते हैं, हम कुछ भी डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं, एड्रेस गलत डाल देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सारी डिटेल अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालना। तो देखिए ये इसमें मैंने सारी डिटेल अपनी डाली हैं, मेरे को भी दिक्कत आई थी जब मैंने इसको सबमिट कर रहा था, ये देखिए। बट अब मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये दिखा रहा है, पर मेरे को फर्स्ट टाइम मैनिपुलेटेड डाटा फाउंड की एरर आई थी, तो मैंने CSC वालों को मेल करी थी, तब जाके मेरी एरर सॉल्व हुई थी, तब जाके मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया था। तो अगर आपको भी सक्सेसफुली रजिस्टर करना है तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपनी डिटेल्स स्टार्टिंग से ही सेम जो आपके आधार कार्ड में है वो भरना,
आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और 2 महीने के अंदर अंदर आपकी आईडी आ जाएगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करना और शेयर करना, और कोई हेल्प चाहिए हो कमेंट करना। थैंक यू।